Good morning children, I Babita Parmar welcome you all in your own channel Physics Ki Awaaz, providing you physics easy notes. बच्चों आज हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन के लेक्चर नंबर 12. इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन. ठीक है, तो सर्कुलर मोशन कोई भी बॉडी जो है सर्कल में जो मूव कर रही है उसको हम बोलेंगे सर्कल. कैसा मोशन है ये? सर्कुलर मोशन है. इसमें जब बॉडी मूव करती है तो या तो वो मोशन ऐसा होगा कि स्पीड जो है वो कैसी है, कांस्टेंट होगी, या वो स्पीड क्या हो सकती है, वेरी करेगी. स्पीड जो है वो वेरी करती है. सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो हमेशा ही चेंज होता है, चेंजेस वेरी करता है, मीन्स है ना डायरेक्शन. तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो चेंज होती होती है, स्पीड वेरी कर रही है तब भी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है. तो ये दो तरह के मोशन है यहाँ पर. तो अब इस वाले को हम क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से हम कह रहे थे दिस इज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड से है, ये नॉन यूनिफॉर्म के एग्जाम्पल में आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब चलिए सर्कुलर मोशन के जो नॉर्मल एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, जैसे फैन देखा है, मोशन ऑफ फैन है ना, देन फ्लाई व्हील जो है वो छोटे बच्चे खेलते हैं ना, वो डंडी पे ऐसे चक्री सी लेके ऐसा कुछ हवा में चलते गोल गोल घूमता है, वो बिल्कुल फ्लाई व्हील जैसा होता है, मोशन ऑफ अ फ्लाई व्हील. इसको नहीं बोल रही मैं फ्लाई व्हील, ये तो मशीन है. फ्लाई व्हील रोटेटिंग अबाउट एट एक्सल, एक्सल उसमें रोटेशनल एनर्जी स्टोर रहती है, उसको फिर यूज़ करते हैं मशीन के वर्किंग में. तो ये फ्लाइंग मोशन ऑफ अ फ्लाइंग व्हील अबाउट इट्स एन एक्सल. और आप ये देख लो कि न्यूक्लियस है, उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रोटेट कर रहे हैं. तो ये सब दे ऑल आर जैसे सन के आजू बाजू आपके प्लैनेट्स जो हैं वो गोल गोल घूम रहे हैं. वैसे तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में करते हैं, लेकिन जब हम इनकी डेरिवेशंस वगैरह पढ़ते हैं तो वी अज्यूम इट एट वो कैसा है, सर्कुलर मोशन है. इस किस में वो मूव करते हैं, ये सब एग्जांपल्स किस में आ जाएंगे, सर्कुलर मोशन पे. अब बाद में देखेंगे हम कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो बात की बातें हैं. बट अब मेन है कि सर्कुलर मोशन क्या है. कोई भी बॉडी जो इट इज़ मूविंग इन अ सर्कल, इट इज़ हैविंग अ सर्कुलर मोशन. इसके हमने अभी जो है काइनामेटिक्स पढ़ने हैं. काइनामेटिक्स में हमें, मैंने आपको पहले भी प्लस वन का जब लेक्चर स्टार्ट किया था, दो चीज़ें हम पढ़ते हैं काइनामेटिक्स फिजिक्स में और डायनामिक. जब काइनामेटिक की बात करते हैं तो व्हाट ऑल यू हैव, तो व्हाट ऑल यू हैव इन मोशन. तो जो सर्कुलर मोशन का जो काइनामेटिक है उसमें हमने कुछ पैरामीटर्स पढ़ने हैं, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, ये सारे जो टाइम पीरियड पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें हैं क्या क्या है. काइनामेटिक मीन्स व्हाट ऑल यू हैव इन द सर्कुलर मोशन, ये जो पैरामीटर्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे. डायनामिक्स जब आता है दैट इज़ कि व्हाट फोर्स उस सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, कौन से फोर्स हैं, है ना, इसमें क्या है और इसमें कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो डायनेमिक्स में आ जाता है. ये अब हम अगले जब न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे फिर उसमें हम वेरियस फोर्सेस पढ़ेंगे तब हम ये डायनेमिक्स की बात करेंगे. बट इस चैप्टर के ये सेकेंड लास्ट लेक्चर होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, जिसमें कि हम सर्कुलर मोशन का जनरल सा आइडिया मैं आपको दूंगी और ये पैरामीटर्स जो हमने डिस्कस करने हैं. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू इज सर्कुलर मोशन के मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ लिख दिए, मोशन ऑफ अ फैन, मोशन ऑफ अ फ्लाई व्हील, ठीक है, एंड ऑल मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कल, मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. ठीक है, अब इसमें जो पैरामीटर्स हम बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज करने वाले हैं,
सबसे पहली चीज़, जैसे अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ते, दैट वाज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। तो रोटेशनल, ये जो सर्कुलर मोशन में जब हम पढ़ रहे हैं, तो वी विल स्टडी अबाउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स। तो अगर कोई पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे से देख रहे, एक सर्कुलर पाथ है, दिस इज द सर्कुलर पाथ, ठीक है। यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक पार्टिकल जो है वो यहाँ से जाकर इधर पहुँच जाता है। मान लीजिए टी टाइम पर, टी इक्वल्स टू ज़ीरो टाइम पे वो यहाँ है, और बी पे वो पहुँच जाता है टाइम टी पे, ठीक है। दिस इज़ द पॉइंट वेयर, तो ये जो आपकी आँख की मूवमेंट है, ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो आपकी आँख पहले इधर देख रही थी, फिर ऐसे आपने आँख को उठाते हुए वो बी तक घुमाई है आपने जो आँख, तो ये जो आपकी मूवमेंट हुई यहाँ से यहाँ, तो दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जिस कितना एंगल वो आपने उसकी पोजिशन जब वो चेंज हुई है, तो एंगल सब्सटेंसेड बाय अ मूविंग पार्टिकल एट अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। So the angle subtended by a moving particle at a fixed point is called angular and displacement, and that's given by the symbol theta. So आप ये कह सकते, it is the angle which is described by the particle about the axis of rotation. इस axis center को अगर हम ये मान के चलते हैं कि revolve हो रहा है एक circular radius में, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस सेंटर पे, यहाँ से अगर मान लो एक्सेस है और इसके अलोंग वो ऐसे से चल रहा है, तो अबाउट दिस एक्सेस व्हाट एंगल इट इज मेकिंग, उसको हम ये बोलते हैं। तो एक चीज़ मैंने आपको ये भी बताई थी, एंगल की जब डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, तो वी हैड स्टडीड दैट वी नो एंगल थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है ना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सो इधर पे दिस थीटा को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इस एंगल को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस थीटा आर्क कौन सी वाली ली हमने, ए बी अपॉन द रेडियस। सो आप इसमें जो लेंगे दिस, इसकी वैल्यू अगर आप डालते हो आर ए से बी तक, सो दैट इज़ अगर पूरा सर्कल अगर आप ले लें तो अलग, वो चीज़ें अलग है। दिस आर्क, ये आपने एक चीज़ याद रखनी, आर्क इज, दिस इज़ द लेंथ से एल, डिस्प्लेसमेंट है लीनियर डिस्प्लेसमेंट मीन इसकी, ये दिस इज़ द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो ए से बी तक, सो थीटा इज इक्वल टू, आप यू कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस। सो दिस थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, तो आपने ये रिलेशन याद रखना है दैट एस इज इक्वल टू आर थीटा, द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एस इज नथिंग बट, एस क्या है आपका, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस थीटा इज द एंगल, इज दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर दोनों चीज़ों को लें, हम एंगुलर को देखें, एंगुलर और साथ में लें लीनियर, तो एंगुलर के डिस्प्लेसमेंट के लिए जो होगा, अगर बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज दिस, एंड द रिलेशन इज एस इज इक्वल टू आर थीटा, राइट। फिर डिस्प्लेसमेंट इसी की अगर आप यूनिट की बात करते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट SI यूनिट, दिस हमने पढ़ा था, दिस वॉज मीटर, दिस इज एंगल इज रेडियन, आप इसको रेडियन में हम बात करेंगे, ठीक है।
रेडियन, एंड इफ आई टॉक अबाउट द डायमेंशन, दिस वॉज एम ज़ीरो एल वन टी ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट के लिए, और इस वाले में ना मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है, सो इट्स अ डायमेंशनलेस एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो. क्यों डायमेंशनलेस है? डिस्प्लेसमेंट भी लंबाई है, रेडियस भी लंबाई है, दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा विल बी इक्वल टू एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो. दिस इज इट इज़ डायमेंशनलेस, राइट? डायमेंशन लेस. सो दिस इज व्हाट यू हैव. आप ये चीज़, एक और चीज़ जो है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दैट इज़ पूरा चक्कर मारने के लिए कितना एंगल वो बनाता है. थीटा इज इक्वल टू, अगर हम बोले पूरा कंप्लीट सर्कल की बात करें, कंप्लीट सर्कल की बात कर रहे हैं, अगर ये लेते हैं तो दिस 2 पाई रेडियन जो एंगल होगा दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है, सो 1 रेडियन आप याद रखेंगे, दिस विल बी 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और यू कैन राइट इट एज 180 अपॉन पाई. सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई के फॉर्म में आप इसको याद रखेंगे. ठीक है, अब रही बात डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन की बात करते हैं. तो डायरेक्शन में आपने बच्चे याद रखना है कि ये जो इसकी डायरेक्शन है, ये तो यहाँ से लिए लीनियर है सर्कुलर पाथ पे, बट इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड अलॉन्ग द एक्सिस. ये जो कोई भी मान लीजिए, ये मान लीजिए ये आपकी एक्सिस है, ठीक है, और इस एक्सिस के अलॉन्ग ये बॉडी जो है वो ऐसे सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर, ये लीनियर जो इसका मोशन है वो यहाँ पर है, बट दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हम ये एंगल पे यहाँ बनाते हैं एंगल एक्सिस के ऊपर, तो ये जो चीज़ है इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड अलॉन्ग दिस एक्सिस. आपका जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये इसकी एक्सिस के ऊपर ये कितना इस पर बना रहा है, तो दिस इज़ वॉट यू हैव टू रिमेंबर. ये आपका कैसा है, एक्सियल वेक्टर है, इट्स एन एक्सियल वेक्टर, सो इट इज़ डायरेक्टेड अलॉन्ग दी एक्सिस. जो भी एक्सिस के अलॉन्ग इसकी वैल्यू जो है हम आपके इधर को मेजर करते हैं, सो इट्स अ, इट इज़ एक्सियल वेक्टर. मैंने आपको ये चीज़ तब भी बताई थी जब हम टाइप ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे थे. इट्स एन एक्सियल वेक्टर दैट इज along the direction, along the axis of rotation, along the axis of rotation. ठीक है, अब इसमें जो second term हम इस्तेमाल करेंगे that is angular velocity. Second एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, याद रखना है आपने, ये ओमेगा से रिप्रेजेंट होता है. सो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. जैसे सिंपल वेलोसिटी जब हम पढ़ते थे, नॉर्मल वेलोसिटी वाज व्हाट, जब लीनियर की बात होती थी, ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं. लीनियर वेलोसिटी क्या होती थी, that was a rate of change of displacement word use करते थे ना. अब इसमें क्या बोल देंगे, omega, this is a rate of change of angular displacement. So this omega is equal to change in this we will be studying that is theta by t. ये क्या होता था, v was equal to displacement by t, like this.
नहीं, जब हम बात करते थे डेफिनेशन में तो चलो ये बात हो गई, फिर जब हम कहते थे कि एक फॉर अ गिवन पीरियड अगर हमें निकालना है, फॉर गिवन पीरियड की बात जब चलती थी, तो वी टॉक अबाउट एवरेज, एवरेज की बात होती थी। एनी इंस्टेंट की बात हो जब, एट एनी, चलो ये तो एवरेज, चलो पहले इसकी बात करते, नॉट इधर, एट एवरेज ये डेफिनेशन होगी। उसके बाद दूसरी बात इसकी, ये स्मॉल ए कर देती हूँ मैं, डिफाइन हो गया। बी लेते हैं, फॉर गिवन पीरियड अगर हम ले रहे हैं, देन दिस हम यहाँ पढ़ते थे दैट वाज वी एवरेज वाज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा विल बी इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ठीक है, सो सी चीज़ पढ़ी थी एट एनी इंस्टेंट, जब इंस्टेंट की बात करते थे तो उसको हम बोलते थे इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, है ना। यहाँ वी इंस्टेंटेनियस क्या आती थी, दैट वाज डेल्टा टी, लिमिट डाल देते थे ना, लिमिट डेल्टा टी टेन टू ज़ीरो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी विच वॉज इक्वल टू डी एस बाय डी टी। ये हम पढ़ चुके हैं बेटे, है ना, उसी के जैसे यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ पर जो ओमेगा इंस्टेंटेनियस होगा एट एनी इंस्टेंट की बात जब करेंगे, तो ये भी हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी विच विल बी इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। दिस इज ओमेगा इंस्टेंट। ये फॉर्मूलाज, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो सेम चलेंगे जैसे हमने वहाँ किए थे। ये दस वी इंस्टेंटेनियस वॉज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, हम ऐसे डिफ्रेंशिएट कर देते थे। एवरेज है तो वो पीरियड के लिए निकाल देते, कोई अगर टाइम पीरियड दिया हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालिए, तो हम वहाँ से वो निकाल लेते थे, है ना। अब ये चीज़ें तो हम पहले कर चुके, अब इसकी रही बात, ये जो है इसके यूनिट, सो डी पार्ट लेते हैं, इसका यूनिट की बात करेंगे। इसमें क्या जाता है, वेलोसिटी में इट वॉज मीटर पर सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। फिर और चीज़ क्या आती है, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। ये हर चीज़ हमने पढ़नी है ना, क्योंकि कोई भी नई नई डेफिनेशन पढ़ते हैं तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, यूनिट क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, थीटा की क्या हो जाती है, इट इज़ एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो डिवाइडेड बाई टी। सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी माइनस वन। इसमें क्या होता था डायमेंशनल फार्मूला, इट वॉज एम ज़ीरो, मास तो है नहीं, लेंथ थी एल वन टी माइनस वन, दिस वॉज डायमेंशनल फार्मूला। तो लीनियर के साथ साथ ही मैं आपको एंगुलर बता रही हूँ, ये एग्जाम में नहीं आना, इसकी नहीं लिखने की ज़रूरत, अगर क्वेश्चन ही आ रहा तो आप यही लिखेंगे, लेकिन पैरेलल में ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें हमने शुरू में पढ़ ली हैं, इसी पिछले चैप्टर में हम लोगों ने ये सब कर लिया था ना, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जब पढ़ा था तो हम ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ रहे थे। ये मोशन इन अ प्लेन की बात हो रही है, तो जब प्लेन, अब सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो अगर आप सर्कुलर मोशन को देखो तो क्या हो रहा है, ये सर्कुलर मोशन में बॉडी जा रही है तो वो थोड़ी सी एक्स डायरेक्शन में बढ़ रही है और थोड़ी सी वाई डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है। दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई, तो जब कर्व के ऊपर बॉडी चल रही है तो ये थोड़ी सी एक्स की तरफ भी बढ़ रही है और वाई की तरफ भी बढ़ रही है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, मोशन इन अ प्लेन। तो अब प्लेन में है तो अब यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें जो लीनियर में पड़ी थी वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो इस तरह से ये चीज़ जो हमारी आ गई, और ये कैसी है, एफ हम बोलेंगे कि ये कैसी है, इट्स अ वैक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर थी, है ना, और इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट इज इट्स एन एक्सियल वेक्टर। कैसा वेक्टर है ये, एक्सियल वेक्टर वी हैव नाउ। जब हमने टाइप ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे उस वक्त मैंने आपको ये एक्सियल वेक्टर का एग्जांपल दिया था कि जो आपका इसी का जो फर्स्ट लेक्चर है, पिछले फोर्थ चैप्टर में ही हम जब स्टार्ट किया था
स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ी थी. तो आई टोल्ड यू दैट दिस एक्सियल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन कहाँ होती है अलोंग एन एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, उनको हम एक्सियल वेक्टर होते हैं. ये क्या है? डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना. और ये कैसे वेक्टर है? ये वाला था पोलर वेक्टर. पोलर वेक्टर कौन से होते थे? जिस डायरेक्शन में मोशन है, डायरेक्टेड डायरेक्टेड अलोंग द मोशन ऑफ बॉडी. ये बॉडी के मोशन पे नहीं है, ये कहाँ पे है? डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये फर्क इसमें आपको ध्यान रखना है. दिस इज व्हाट वी हैव. ये हम इसी लेक्चर के इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 1, अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो अपनी कॉपीज खोल के देखिए या मेरी वीडियोस को और इसके प्लेलिस्ट में जाइए. आप जैसे ही आप चैनल खोलते हैं प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर चैप्टर 4 की लेक्चर 1 जैसे आप खोलेंगे उसमें पहली चीज़ ही जैसे वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस दिया, उसके बाद मैंने आपको एक्सियल एंड द पोलर वेक्टर के बारे में आइडिया दिया था. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव द अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी. अब इसमें जो है रिलेशन भी निकाल लेते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी. चलो उससे पहले हम थोड़ा सा टाइम पीरियड के बारे में भी कर लेते हैं, फिर रिलेशन देखते हैं. ये दो चीज़ें हो गई, अब चलो यही नीचे ही कर देते हैं. तीसरी चीज़ सी. अब हम सी क्या लेंगे बेटे? हम डिफाइन करेंगे टाइम पीरियड. तो एक सर्कल लगाने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं. ठीक है, इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं. सो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल और द बॉडी बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. सो इधर पे अगर ये चलो इसे एक डायग्राम से ड्रॉ कर देती हूँ. ये सर्कलर मोशन हो रहा है मान लीजिए बॉडी का, बॉडी इधर सर्कल पे मूव कर रही है. दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये यहाँ से यहाँ को मूव करती है बॉडी. ठीक है, दिस इज योर डी थीटा, दिस इज थीटा. योर ओमेगा इज डायरेक्टेड हियर. ओमेगा की जो डायरेक्शन है वो ये रहेगी अलोंग द एक्सिस. ठीक है, ये डायरेक्शन ओमेगा की है. दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. लीनियर में तो जहाँ को चल रहा वहीं होता था. दिस इज व्हाट यू हैव. ओके, नाउ टाइम पीरियड की बात आपको क्लियर होगी. द टाइम टेकन बाय द दिस टू कम्प्लीट द रोटेशन इज कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड. नाउ आप इफ यू सी एक टर्म और हम यूज करेंगे डी, दैट इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इसके लिए जो सिंबल है बच्चे आपने याद रखना है, दिस इज न्यू इज द सिंबल. सो नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. ओके, टाइम पीरियड है यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ, ये सेकेंड्स में है ना. और फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है कितना रोटेट कर रहे हैं, दिस इज पर सेकेंड. नंबर ऑफ रोटेशन है तो अगर आप देखो इसको, न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोटेशन डिवाइडेड बाय
इन 1 सेकेंड. तो इफ़ यू सी नंबर है ये, तो इसकी तो कोई यूनिट नहीं होनी है, अपॉन सेकेंड है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट विल बी पर सेकेंड. पर सेकेंड कह दीजिए, और दिस इज ऑल्सो नोन एज हर्ट्स. फ्रीक्वेंसी के लिए वी राइट हर्ट्स, एंड सिंबल इसको आप एच जेड भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक छोटा सा रिलेशन है जो आपको ध्यान होना चाहिए. कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. रिलेशन बिटवीन, अगर एक टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, इफ यू से रिलेशन बिटवीन टी एंड न्यू, तो आप अगर यहाँ पर नंबर ऑफ रोटेशन लिखते हैं, नंबर ऑफ रोटेशन, और यहाँ आप अगर टाइम लेते हो, तो एक रोटेशन के लिए जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, और एक सेकेंड में जो रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशंस होती हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. ठीक है, एक रोटेशन को जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, एक सेकेंड में जो रोटेशंस होते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. तो अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें, यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, क्रॉस आउट कर दोगे, जिसकी जोड़ी बन रही है ऊपर लिखोगे, तो आप दिस क्वेश्चन दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को आप कैसे लिख सकते हैं? दिस विल बी इक्वल टू 1 × 1/T. सो यू, दैट मीन्स न्यू इज इक्वल टू 1/T. एक ये रिलेशन आपने बच्चे याद रखना है. ठीक है, दूसरी बात, अगर आप ओमेगा की बात करें कि ओमेगा भी कैसे इससे रिलेटेड, ओमेगा इज व्हाट दैट, अगर पूरे कंप्लीट सर्कल में जो टाइम लग रहा है ना, हमने बोला टी इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कंप्लीट द रोटेशन. ठीक है, सो एंगुलर स्पीड, अगर मान लीजिए कि एक पार्टिकल जो है, लेट यू कैन हेडिंग डाल देते हैं, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड टी. अब ओमेगा और टी में रिलेशन निकालना है. सो अगर आप ये ले रहे हैं कि एक रोटेशन, टी इज द टाइम पीरियड, टी क्या है, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, तो थीटा इक्वल्स टू 2π radian फॉर वन कंप्लीट रोटेशन. देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन टी, विच इज 2π radian अपॉन द टाइम टी. सो 2π/T, टी सेकेंड्स आएगा. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T. और ये 2π किस में है, रेडियन में, और टाइम किस में है, सेकेंड्स. सो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, एंड 1/T क्या होता है, न्यू. सो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/N. तो आपके पास क्या रिलेशन आ गया, ओमेगा. आपके साथ आपको दो रिलेशन ध्यान रखने हैं. आप चाहे ओमेगा को लिखिए 2π/T, और आप इसको लिख सकते हैं 2π/N. ये दो चीज़ें, दो रिलेशन हो गए आपको. ठीक, अब आपने दोनों के बारे में पढ़ लिया, फ्रीक्वेंसी एंड ऑल आपको पता लग गई. अगर एंगुलर वेलोसिटी को भी आपने लिख लिया इसके टर्म्स में, एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ द टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी को भी के बीच में, ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होनी है ये चीज़ें. ठीक है, सो ये रिलेशंस की बात आई. अब मेन दूसरा रिलेशन निकालते हैं, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, ये मैंने देखो पहले बता दिया था, s = rθ. आप रिलेशन, ये याद रखने का भी एक बड़ा अच्छा सा तरीका बता दूँगी, भूलेंगे नहीं आप उसको. रिलेशन बिटवीन इक्वेशन, क्योंकि एग्जाम में आता है, लीनियर वेलोसिटी क्या है आपकी, लीनियर वेलोसिटी बच्चे, दैट इज
वी है ना, एंड एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी क्या है बच्चे? ओमेगा. ये रिलेशन आप याद रखना. दैट वी इज इक्वल टू लीनियर का पहले पढ़ी, इसलिए हमेशा नाम पहले लीनियर का लिखना. वी इज इक्वल टू आर ओमेगा. जैसे वो एस इज इक्वल टू आर थीटा, दिस इज वी. यही तरीका, मैं यही चीज मैंने बतानी थी कि जब भी आप लीनियर वाली टर्म पहले लिखो, लीनियर वाली टर्म जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर टाइम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन. ये चीज़ें चलेंगी, ये ऐसे याद रखने के लिए. हमेशा लीनियर हमने पहले पढ़ी थी, जब वो सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन की बात हो जाती है तो हम इसको उठा के ऐसे कर देते हैं. इसमें रिलेशन ये इस तरह से याद रखना. तो ये अभी हम रिलेशन निकालेंगे, ठीक है. तो मान लीजिए एक पार्टिकल है, क्योंकि एग्जाम में कई बार डेफिनेशंस आ जाते हैं और ये रिलेशन निकालने को देते हैं. न्यूमेरिकल्स तो चलो आएंगे ही आएंगे आपको, साथ में ये चीज़ें भी. सो मान लीजिए एक पार्टिकल जो है एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है. सो लेट अस कंसिडर अ पार्टिकल is moving in a circular path of radius r. r radius किस में वो कर रहा है और वो travel करता है certain, ये इस diagram draw कर लेते हैं. this is the circular path जिसमें ये particle जो है वो move कर रहा है. वो यहाँ से ए पॉइंट से वो बी पॉइंट पर जाता है. यहाँ बी पॉइंट ये है, ये इनिशियल ए पॉइंट है. यहाँ से ये डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका इतना होता है. ये जो रास्ता है दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है वो डेल्टा एस हो रही है, ठीक है. तो ट्रेवल कर रहा है सच दैट डेल्टा एस क्या है, दिस इज़ द लीनियर displacement of the particle from A to B in small time delta t time पे वो यहाँ जा रहे हैं. delta theta जो है that is the angular displacement. Of the particle from A to B, ठीक है. Then angular velocity is given as omega is equal to delta theta upon delta t होता है, ठीक है. And we have linear velocity is equal to क्या हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी. और थीटा और इसमें क्या रिलेशन है, सो दिस वी इज इक्वल टू डेल्टा एस पे डेल्टा टी, ये हमारे पास है. सो आई कैन राइट दिस एस वी इज इक्वल टू डेल्टा एस पे डेल्टा टी है और दिस इज डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी. थीटा और एस में क्या रिलेशन है उसको अगर हम देखें तो व्हाट वी हैव इज, बट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है. सो दैट इज आर्क इज इक्वल टू व्हाट, दिस थीटा की जगह आर्क आप ये वाला डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, राइट. सो दिस आर्क ए बी, सो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा रेडियस का आर हो जाएगा. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन आर इज द रेडियस. नाउ ओमेगा कैन बी रिटन, देयरफॉर ओमेगा कैन बी रिटन एज व्हाट, ओमेगा की जगह आ जाएगा आपका ये डेल्टा थीटा की जगह मैं लिख रही हूँ एस अपॉन आर डिवाइडेड बाय डेल्टा
टी, दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, इसको मैं ऐसे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इंटू वन अपॉन आर ऐसे लिख सकते हैं. डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, इसको यहाँ मत लिखिए अभी फिलहाल, इसको यहाँ नहीं लिखते चाह. डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू वॉट, वी अपॉन आर, बिकॉज वी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होता है. यहाँ हमने वी बाई आर कर दिया, सो वी इज इक्वल टू हो गया आपका ओमेगा आर, रिलेशन आ गया. एंगल ऑफ वेलोसिटी से चले, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क इज एस, एस अगर वो डिस्प्लेसमेंट है, इफ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, यहाँ तो चलो डेल्टा एस ले लिया, इसको इधर चलो लीनियर डिस्प्लेसमेंट. सिंपल इस करते चलो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, एंड डेल्टा थीटा, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो दिस, इसको सिर्फ थीटा की जगह पर मैंने क्या किया, एस अपॉन आर लिखा है, तो इसको एस को इसके साथ ले लिया, आर इधर अलग कर दिया, ऐसे हम लिख सकते हैं, है ना. फिर बाद में डेल्टा एस पे डेल्टा टी कुछ नहीं होता, दैट इज द लीनियर वेलोसिटी, सो वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, दिस इज व्हाट वी हैव. तो ये रिलेशन हो गया जो मैंने आपको पहले बताया, वो हम डिराइव कर चुके हैं. अब इसमें हम लोग एक और चीज़ जो है, एक तो ये इसका जो प्रेजेंटेशन है, अब विलॉस ये ध्यान रखना, इसका वेक्टर फॉर्म जो होगा, इसका वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज नाउ, चलो आगे चल के मैं क्वेश्चन लेती हूँ. दिस इज वी इज इक्वल, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, वी वेक्टर वी इज इक्वल टू, इफ यू विल राइट इट एज आर ओमेगा वेक्टर, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये गलत हो जाएगा. दिस इज, यू कांट राइट इट लाइक दिस, दिस इज योर, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी वेक्टर एंड ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन सेम है. दिस इज अलोंग द प्लेन, जिस प्लेन में वो पार्टिकल मूव कर रहा है, एंड दिस इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो ये चीज़ यहाँ पर ये गलत हो जाती है, सो दिस इज अ रॉन्ग रिलेशन. और ये जो है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, में एक और खास बात ये नोट करेंगे आप ये चीज़ें, मेक अ नोट हियर, v इज इक्वल टू आर ओमेगा केवल सर्कुलर मोशन के लिए, v इज इक्वल टू आर ओमेगा ओनली फॉर सर्कुलर मोशन, आप ये कह सकते हैं. लेकिन क्यों हम इसमें आर ओमे ले रहे हैं, अदरवाइज नॉर्मली इट इज होगा ये क्या, वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा. सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी ऑटोमेटिकली रेडियस के परपेंडिकुलर होती है. दिस इज सिंपल, अगर वेलोसिटी डायरेक्ट लिखनी है, क्योंकि अभी हम ये चीज़ें जो है एंगल ऑफ वेलोसिटी केवल सर्कुलर मोशन में नहीं होती है, आप किस एंगल से रोटेट हो रहे हैं वो तो कहीं पे भी हो सकता है. जैसे कोई एग्जांपल मैं देती हूँ, मान लीजिए कि यहाँ आप ऑब्जर्वर है और यहाँ से एक पार्टिकल मूव करता है, मान लीजिए ये सर्टन वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ए मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये जा रहा है, तो ये जब यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है तो हम ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, तो एक ये जब वो यहाँ पर है तो उस वक्त इसकी एंगल ऑफ वेलोसिटी अलग होगी, जब वो ये इस पॉइंट पे पहुँच गया तो अलग होगी, इस पॉइंट पे चला गया. तो देखिए यहाँ तो ये सर्कल में मूव नहीं कर रहा है, लेकिन हमारी आँख जो है वो कैसे यहाँ से यहाँ को मूव कर रही है, तो ये क्या हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी भी इसमें आएगी. तो एंगुलर जो वेलोसिटी है वो केवल सर्कुलर मोशन के लिए नहीं, इसीलिए ये वी सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि सर्कुलर मोशन का ये रेडियस है, किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, वेलोसिटी ने तो हमेशा ही परपेंडिकुलर होना है, यहाँ चले जाओ फिर इसने रेडियस के परपेंडिकुलर होना है. तो इन जनरल अगर हम किसी भी पॉइंट पे चले जाएं, जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो हमेशा आर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो इसीलिए वहाँ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है. अदरवाइज इन जनरल अगर आप लिखना चाहोगे, इन जनरल जो ये
ओमेगा होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर. आप परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट पे ही ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ तो वेलोसिटी इस वाले में तो क्या है हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है, तो हम सिंपल वी भी लिख रहे सर्कुलर मोशन के लिए तो चल जाएगा. दिस इज ट्रू, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा रिलेशन इज करेक्ट ओनली फॉर सर्कुलर मोशन. अदरवाइज इट इज वॉट वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, इन जनरल जो आप लिखेंगे दैट विल बी वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा. याद रहेगा बच्चे ये आगे यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में सारी बातें. सर्कुलर मोशन है कोई बात नहीं क्योंकि सर्कुलर मोशन है हमें पता ही है कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इट. अच्छा ये हो गया, अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स में कि न्यूमेरिकल में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स. पहला क्वेश्चन है थीटा इज इक्वल टू फोर. देखो बिल्कुल जैसे हम लोग वो पढ़ते थे लीनियर शुरू में जब हमने पिछले मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जब पढ़ा था तो एस इज इक्वल टू ऐसा दिया होता था. यहाँ पर क्या दे दिया इसकी जगह पे थीटा इज इक्वल टू 4t³ + 3t² + 2 रेडियन फाइंड दी ओमेगा इन 2 सेकेंड्स. अब इसमें जरा देखो यहाँ पर आपको इन 2 सेकेंड्स एट 2 सेकेंड्स. सो इन 2 सेकेंड्स जब बात कर रहा है वो दैट मीन्स इन 2 सेकेंड्स मीन्स ये ध्यान रखना है इन 2 सेकेंड मीन्स टी इज इक्वल टू 0 to 2 सेकेंड की बात हो रही है और एट 2 सेकेंड मतलब उस क्षण दो सेकेंड में क्या होगा. तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं ओमेगा एवरेज की. ठीक है दिस ओमेगा एवरेज की बात हो रही है. ओमेगा इन 2 सेकेंड्स आप ये लिख सकते हैं ओमेगा इन 2 सेकेंड्स विच इज इक्वल टू ओमेगा फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 to 2 सेकेंड की बात हो रही है. दैट इज ओमेगा एवरेज की बात हो रही है. ओमेगा एवरेज विल बी इक्वल टू वॉट दैट इज डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी विच विल बी इक्वल टू थीटा एट 2 सेकेंड्स माइनस थीटा एट 0 डिवाइडेड बाई टाइम क्या हो रहा है 2 - 0. आपने सिर्फ वहाँ वैल्यूज डालनी है. थीटा 2 डालोगे तो कितना हो जाएगा. थीटा 2 जब डालोगे इट विल बी 4 2³ + 3 2² + 2 कितना हो गया. दिस इज 2² = 4 2² = 8 8² = 32 + 12 + 2 = 46. थीटा 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा. पहली टर्म 0 दूसरी टर्म 0 2 दिस इज 2. सो ओमेगा एवरेज दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच 46 - 2 / 2 44/2 दैट इज 22 रेडियन पर सेकेंड. आ गया आपका आंसर. अब जब ये पूछा है ओमेगा एट 2 सेकेंड्स सो ओमेगा एट 2 सेकेंड्स मीन्स ओमेगा इंस्टेंटेनियस पूछा है. दैट ओमेगा इंस्टेंटेनियस और वो भी कहाँ पर एट t equals to 2 seconds पे. So this will be equal to what? d theta by dt at 2 seconds. ये question को देख के समझ में आना चाहिए otherwise गलतियां करोगे आप. This will be equal to what? d by dt of 4t³ + 3t² + 2. Differentiate कर दीजिए इसको. Differentiation का formula पता है ना. Power से multiply कर देते 3 4 = 12 t³ - 1 + 3 2 = 6 t² - 1 + इसमें तो है ही नहीं कुछ भी तो ये जीरो हो जाएगा कांस्टेंट की वैल्यू में. दिस इज इक्वल टू व्हाट. दिस इज योर 12t² + 6t. दिस में वैल्यू डाल दीजिए क्योंकि उन्होंने 2 सेकेंड पे बोला है तो 2² + 6 * 2 2 2 = 4. दिस इज 48 + 12 = 48 + 12 कितना हो गया 60 रेडियन पर सेकेंड. यहाँ कितना रहा था 22 रेडियन. सो जब वो एवरेज की बात कर रहे हैं वो इस तरह से निकलेंगे वो वहाँ पे इस तरह से राइट. आप देखो ये तो हुआ सीधा अगर थीटा दिया है ओमेगा पूछा है. अगर आपसे ओमेगा दिया है और थीटा पूछ रहे हैं तो रिलेशन तो आपने वही लगाना है जो हमने पढ़ा था. मैंने आपको
रिलेशंस पहले ही बताए हैं, ये वाला जो रिलेशन है बिल्कुल सेम चीज़ें हम लीनियर मोशन में पढ़ चुके हैं। जब आपसे डायरेक्ट ओमेगा, देखो ओमेगा दिया है, थीटा दिया है, ओमेगा पूछ रहे हैं, तो आप डिफरेंशिएट करके ओमेगा निकाल दोगे। उल्टा कर देते हैं, मान लीजिए थीटा पूछते हैं और ओमेगा देते हैं, तो इधर से ही हमारा क्या निकल, एक चीज़ और एक रिलेशन निकल सकता है। यहाँ से ये वाले ही फॉर्मूला से आप इसको लिख सकते हैं, डी थीटा इज इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो, यहाँ पे मैं सिर्फ एक समझाया इसके लिए लिख रही हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज होगा, इन न्यूमेरिकल्स, है ना। तो दिस इज डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी होता है, ठीक है। सो थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रल ऑफ दिस डी थीटा, दैट इज इंटीग्रल ऑफ ओमेगा डी टी, ऐसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन में भी दो चीजें होती हैं, एक होती है डेफिनेट, एक होती है इनडेफिनेट। अगर लिमिट दी हुई है तो आप डाल देंगे डायरेक्ट, नहीं दी है तो फिर एक कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू आप निकालेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लीनियर वेलोसिटी के क्वेश्चंस किए थे, एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वाले, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन सॉल्व की थी। तो ये अगर सीधा बोला हुआ है थीटा दिया ओमेगा निकालना, डिफरेंशिएट किया, ओमेगा दिया हुआ है थीटा निकालना है, तो फिर इंटीग्रेशन और कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं सभी तरह के वो न्यूमेरिकल्स को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि कुछ भी पूछा तुमको आना चाहिए। आपसे जैसे पूछा है पहले, ये मैंने इस वाले को बाद में करते, पहले से करते हैं। फाइंड थीटा बिटवीन टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब आपको ये दिया हुआ है, अब आपने यहाँ क्या करना है, मैं से लाइन खींच देती हूँ, जगह कम है ना। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा बाय डी टी, सो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। थीटा निकालना है, सो थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टी थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा टी टी, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 1 से 2 सेकंड स्पेसिफाई किया हुआ। तो ये कैसा है, दिस इज एज टाइम लिमिट्स आर गिवन, स्पेसिफाई की हुई फ्रॉम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, देयरफॉर दिस इज अ केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। यहाँ पे हमें कॉन्स्टेंट की जरूरत नहीं है, हमें दिया हुआ है, सो दिस थीटा विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड है तो लोअर लिमिट 1 होगी, अपर लिमिट ये ओमेगा डी टी। नेक्स्ट स्टेप में 1 से 2 तक ओमेगा कितना दिया हुआ है बच्चे, 2t² + 2t, तो आपने बस वो वैल्यू ही डालनी है उसमें और कुछ नहीं करना है। सो दिस विल बी इक्वल टू वॉट, 2t² + 2 dt, दिस विल बी इक्वल टू वॉट, इंटीग्रेशन का निशान 1 से लेकर 2 तक, ये हो जाएगा 2t² dt प्लस इंटीग्रेशन का निशान 2 dt, टी है नहीं इसके साथ तो मतलब टी की पावर 0 है, ये भी 1 से लेकर 2। डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, तोड़ के करना चाहें तोड़ के भी कर सकते हैं, एक ही लाइन में भी हो सकता है, आपको सिर्फ जनरल फार्मूला याद होना चाहिए। जनरल फार्मूला क्या था इंटीग्रेशन का, x^n dx इज ऑलवेज इक्वल टू xn+1/n+1। डिफ्रेंसिएशन में d/dx ऑफ xn, ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, n जो पावर है उसको लिखिए, x और n की पावर 1 कम हो जाएगी, जो पावर है उसे मल्टीप्लाई करना है और पावर कम, यहाँ पे क्या करना है, जो पावर है वो +1 हो जाएगी और उस +1 से ही उसको आपने डिवाइड करना है। ये जो है डिफरेंशिएशन का जनरल फार्मूला, और ये क्या है इंटीग्रेशन का जनरल फार्मूला। पहले हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करके किया उसको ऊपर वाले क्वेश्चन में, यहाँ अब हम ये वाला फार्मूला कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट एक ही साथ भी मैं कर सकती थी। दिस इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × t^(2+1)/2+1, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2,
प्लस टू टी की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1, ये लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 2t³/3 लोअर लिमिट 1 2 2 इंटू टी की पावर 1/1 लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, ये हो जाएगा 2/3, बाहर निकाल लीजिए, टी की जगह पर अपर एक बार ऊपर वाली वैल्यू डालें एक बार नीचे वाली, तो टी की जगह एक बार 2 डालेंगे एक बार 1, तो ये जाएगा 2³ - 1³ + 2, टी की जगह क्या डालोगे 2^1 - 1^1, दिस इज 2/3, कितना हो जाएगा ये 8 - 1 + 2 - 1, दिस इज 2/3 × 7 + 2, दिस इज 14/3 + 2, विच इज इक्वल टू हाउ मच, 3 LCM आ गया, 14 + 6 = 20/3 रेडियन पर सेकेंड, कुछ नहीं क्या यहाँ पे वैल्यूज दी हुई थी हमने उठा के डाल दिया। ये जो पिछला क्वेश्चन है इसको देखिए, यहाँ पर फाइन थीटा आफ्टर 2 सेकेंड्स इफ इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, यहाँ पर कंडीशन दी हुई है आपको, वैल्यू नहीं दी हुई है, तो ये जो केस है दैट इज द केस ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, यहाँ पे आपको कॉन्स्टेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है आफ्टर 2 सेकेंड्स एंड कंडीशन इज गिवन, एक कंडीशन दी है, देयरफॉर इट इज अ केस ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो यहां पे हमें कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सो फिर करना वही है, दिस ओमेगा इज इक्वल टू d θ/dt, सो d θ इज इक्वल टू ω dt, सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ω dt, ठीक है। सो आप इसकी वैल्यू डाल देंगे, आपको लिमिट तो दी नहीं है इधर पे, आपको कंडीशन दी हुई है तो आपको लिखनी पड़ेगी, यहाँ तो दी हुई थी लिमिट्स, टाइम जो है 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, यहाँ नहीं दिया, तो इसमें सिर्फ आप वो वैल्यू डाल देंगे, इंटीग्रल 2t² + 2dt, तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका कितना हो जाएगा, ये तो 2 ऐसे ही रहेगा, ये कितना होता है t³/3/3 प्लस, इसका है नहीं कुछ तो 2t प्लस अ कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा, ठीक है। नाउ कंडीशन आपको क्या दी है, कंडीशन दी है बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, रेस्ट पे है, ठीक है। रेस्ट पे इसका मतलब क्या हो गया कि जब एट t = 0 थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा की वैल्यू जो है 0 होगी, तो इस इक्वेशन में डाल दीजिए, 0 = 2 × 2/3 0³ + 2 × 0 + c, कितना हो जाएगा, सारा 0, c की वैल्यू आ गई 0, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, यहाँ c की वैल्यू, ये तो इस क्वेश्चन में 0 है, कई बार इसकी वैल्यू आएगी, हम आगे और न्यूमेरिकल्स लेंगे जहाँ पे c की वैल्यू भी आएगी, बट इस पर्टिकुलर केस में इसकी वैल्यू 0 आ रही है, सो थीटा इज इक्वल टू हो गया 2/3 t³ + 2t, c की जगह आपने क्या डाल दिया 0, ठीक है। अब क्योंकि आफ्टर 2 सेकेंड पूछा है, थीटा आफ्टर 2 सेकेंड्स पूछा है, सो थीटा आफ्टर 2 सेकेंड्स कितना हो जाएगा 2/3 2³ + 2 × 2, कितना हो जाएगा 2² = 4 + 4² = 8 + 8² = 16, 16/3 + 4, सो दिस इज इक्वल टू 16 प्लस LCM आ गया 3, 3² = 12, ये कितना हो गया 28/3, दैट इज 3 × 9 = 27.3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन है, यहाँ कुछ और पूछ रहा है 2 सेकेंड्स में, यहाँ 1 से 2 सेकेंड्स है ना, ये आफ्टर 2 सेकेंड यहाँ कंडीशन दे दी है, यहाँ पे सीधा बोला है 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक,
यहाँ तो सिंपल डायरेक्ट हमने क्या डालनी थी, लिमिट्स डाल देनी थी, यहाँ हम लिमिट्स नहीं डाल निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, यूजुअली आपके एचपी बोर्ड वाले जो हैं वो यही वाले न्यूमेरिकल्स देते हैं, या तो वो एवरेज देंगे या तो वो इंस्टेंटेनियस देंगे, इस तरह के क्वेश्चंस के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन सीबीएसई वाले इस तरह के क्वेश्चंस भी देते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो आपको मुश्किल तो कुछ है नहीं, वही फॉर्मूला यूज करना है। तो आपने डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको प्लस वन में पढ़ाया हुआ है, इंटीग्रेशन पढ़ाया हुआ है अभी भी, सॉरी प्लस वन के शुरू के चैप्टर्स में है ना, बेसिक मैथमेटिकल टूल जब है उसमें बताया हुआ था, और सेम चीज हम कहाँ कर चुके हैं, लीनियर मोशन में कर चुके हैं, अब ये सर्कुलर मोशन में दोबारा कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको मुश्किल आनी चाहिए। और क्या न्यूमेरिकल है, अब दिया है फाइन थीटा एट 2 सेकेंड, इफ आप देखो एट 2 सेकेंड दे रहे हैं, यहाँ पे भी थीटा निकाला लेकिन कंडीशन दे रहे हैं एट 1 सेकेंड द बॉडी मूव्स विद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 रेडियन, ये दिया हुआ है कंडीशन। सो इस वाले क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, ये कंडीशन इज गिवन है ना, एंड थीटा इज टू बी कैलकुलेटेड, जबकि थीटा क्या होता है, थीटा इज इंटीग्रल ऑफ ओमेगा डीटी, दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन केस, ठीक है। सो थीटा विल बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओमेगा की वैल्यू कितनी दी हुई थी बच्चे, ओमेगा वाज योर 2t² प्लस 2 था है ना dt। अब आप इसको कर लीजिए इंटीग्रल, सो दिस थीटा विल बी इक्वल टू 2t³/3, मैंने जान के एक इक्वेशन लिए तो बार बार नहीं करना पड़े प्लस, और आपको समझ भी आ जाए कि क्या फर्क होता है जस्ट क्वेश्चन को किस क्वेश्चन को, सेम थीटा वैल्यू थी और अलग अलग चीजें पूछी हुई हैं, प्लस 2t + c, क्योंकि जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रल आएगा तो सी लिखना जरूरी है, फिर कंडीशन एट 1 सेकेंड एट t = 1 सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन दिया हुआ है, तो देयरफॉर 2 = 2 × t की जगह क्या लिखा है 1/3 + 2 × 1 + c, ये कितना हो जाएगा 2 = 2/3 + 2 + c, यहाँ से देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -2/3 आया, पिछले वाले में तो 0 आ रही थी, इस वाले में इसकी वैल्यू कितनी आ गई -2/3, देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2t³/3 + 2t - 2/3, दिस इज द वैल्यू। अब आपको बोला है एट 2 सेकेंड्स थीटा विल बी थीटा 2, आपने सिर्फ t की जगह 2 डालना है, 2 2³/3 + 2 2 - 2/3, दिस इज 2 2 = 4 4 2 = 8 8 2 = 16 16/3 + 4 - 2/3, एलसीएम हो गया आपका 3 16 + 12 - 2, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 26/3 विच इज इक्वल टू 8.66 रेडियन, ठीक है। यहाँ पे दिस वॉज कमिंग आउट टू बी रेडियन, थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, देखो सेम क्वेश्चन है, यहाँ 1 to 2 seconds है, ये 2 seconds में कितनी वैल्यू है 9.3 रेडियन/सेकेंड, देखो हर जगह मैडम ने गलत कर दिया, थीटा की वैल्यू तो रेडियंस में लिखनी है ना, ये 9.3 रेडियन आ रही थी 2 सेकेंड, अब ये कंडीशन थी बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, अब कंडीशन बदल दी तो टाइम वही है 2 सेकेंड ही है लेकिन कंडीशन लगा दी है तो 8.66 रेडियंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ व्हील कंप्लीट 120 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड। सो आपको व्हील कंप्लीट इतना रेवोल्यूशन इन 1 मिनट,
ठीक है. सो फ्री रेवोल्यूशन इन वन मिनट मीन्स किसकी बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी. आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 120 रेवोल्यूशन पर मिनट. अब मिनट्स में तो दैट मीन्स 120 रेवोल्यूशन आपके किस में हो रहे हैं, 60 सेकेंड्स में, क्योंकि सेकेंड जो होता है, मिनट तो होता नहीं ना एसआई सिस्टम में, सेकेंड्स होते हैं. तो इट इज टू राउंड्स पर सेकेंड, ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है. और आपको क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द एंगल ऑफ स्पीड. सो एंगुलर स्पीड क्या होता है, एंगुलर स्पीड बोले दैट मीन्स ओमेगा निकालना है. ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, टू पाई न्यू होता है. सो दिस इज टू इंटू पाई इंटू टू, सो दिस विल बी 4 पाई रेडियन पर सेकेंड. तो बिल्कुल ही सिंपल था, है ना. देन नेक्स्ट इज अ स्कूटर गोज राउंड अ सर्कुलर ट्रैक. एक सर्कुलर ट्रैक है आपका, ठीक है. रेडियस उसका 10 मीटर है. विद अ स्पीड, ये इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड. यानी ये वी दी हुई है आपको 30 मीटर पर सेकेंड. रेडियस आपको दिया हुआ है 10 मीटर्स. कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड. सो एंगुलर स्पीड मीन्स ओमेगा. अभी आपको बताया था मैंने, याद रखना है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा. सो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन r. सो दिस इज इक्वल टू, क्योंकि सर्कुलर है, सर्कुलर ट्रैक है, से ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये v जो होती है फिर वो परपेंडिकुलर होती है, वो मालूम है हमें कि इट्स ऑलवेज डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. सो दिस इज 30/10. जब सर्कुलर है तब कोई टेंशन नहीं, लेकिन कहीं लीनियर मोशन है तब आपको देखना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है. आप देखो थोड़ा सा आपको ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चंस आते हैं उस तरह के क्वेश्चंस मैंने कुछ लिए. आपको कमेंट करना है अबाउट द रिलेशन, ऑलवेज करेक्ट. मतलब केवल सर्कुलर मोशन ही, हमेशा ही जो है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में ही होती है, ठीक है. किस एंगल पर वो चेंज हो रही है पोजिशन, उसको भी सर्कुलर, वो चीज़ मैंने यहाँ पर भी ली हुई है. यही पार्टिकल है, यहाँ से जा रहा है तो इसकी पोजिशन बदल रही है, तो चेंज हो रहा है ना. सो इसमें आपको बताना है कि कमेंट करके कि कौन से सही है. कमेंट अबाउट द रिलेशन, ऑलवेज करेक्ट. सो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर. तो यहाँ कहीं वेक्टर का निशान नहीं लगा है, तो दिस इज करेक्ट. एंड स्केलर फॉर्म है ना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं की है, तो इट्स करेक्ट है सर्कुलर, इसमें करेक्ट होगी. वी वेक्टर इज इक्वल टू आर ओमेगा वेक्टर. दिस इम्प्लाइज डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर एंड ओमेगा वेक्टर इज सेम, बट वी नो v vector is in plane and omega vector is along axis of rotation. Therefore, this relation is not correct. Or omega is equal to v perpendicular. V perpendicular upon R. This is always correct. ये हमेशा करेक्ट होता है. तभी मैंने पढ़ाया तो सिर्फ बताया था ना, दिस इज कि जो वेलोसिटी वेक्टर जो है वो उसके परपेंडिकुलर होता है. अब ये वाला v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर. तो आप देखो ओमेगा वेक्टर और r वेक्टर दोनों ले रहे हैं, और वेलोसिटी वेक्टर. सो इफ यू सी हियर, तो ये दोनों जब ये क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा होता है,
तो इसका मतलब ये इनका जो रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, दैट इज वी वेक्टर, इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा वेक्टर एंड आर वेक्टर, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और होता भी है, आप सर्कुलर मोशन में भी देख लो। तो वी जो कि ये इसी का फॉर्म है, ये ओमेगा क्रॉस आर, दैट इज वी वेक्टर इज परपेंडिकुलर विच इज ट्रू, देयरफॉर ऑलवेज करेक्ट, ये इसी का फॉर्म है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, रिजल्ट यहाँ से ये करेक्ट आ रहा है। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं एंगल ऑफ वेलोसिटी में, तो आप वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, लिखा था मैंने कहीं, हाँ ये रिलेशन में, ये द जो है, दिस इज, यू कैन रिमेम्बर दिस, हियर दैट वी वैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर। तो यहाँ से ये इसी का अनदर फॉर्म जो है, दिस कैन बी रिटन एज दैट ओमेगा और वेलोसिटी जस वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से वो रिलेशन भी हमने बताया था तो आपको, ठीक है। अब इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है ये। मान लीजिए एक पार्टिकल जो है से स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको दो चीज़ें हम निकाल रहे हैं, दैट इज़ इसकी आपने एट ए क्या स्पीड है, ये थोड़ा कम जगह लेगा, इसको मैं थोड़ा कम कर देती हूँ, इसको ज़्यादा कर देंगे। अब इन्होंने कहा है कैलकुलेट, फाइंड द एंगल ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एंगल ऑफ वेलोसिटी इन्होंने निकालने को दी है हमें एट पॉइंट ए, ओमेगा एट पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये इधर पर इसकी एंगल ऑफ, यहाँ आपको लीनियर वेलोसिटी पता है, सो एट ए लीनियर वेलोसिटी इज हाउ मच, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और डिस्टेंस कितनी दूरी पर है, 3 मीटर की दूरी पर है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा। सो इफ यू सी, हमको मालूम है कि रिलेशन क्या है, वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है ना, वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ओमेगा आर, सो ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर। सो वी परपेंडिकुलर कितना है, ये परपेंडिकुलर ही है इसके, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर जा रहा है, तो दिस विल बी डायरेक्टली ऑल राइट 10/3, सो इट इज 3 3 9, 3.33 रेडियन पर सेकेंड, खत्म हो गया। लेकिन जब वो यहाँ जाता है, जब यहाँ पहुँच गया, तो ये दिस इज, ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने ये दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये एंगल आपको दे दिया है थीटा इज इक्वल टू से 53 डिग्री दे देते हैं, मान लीजिए 53 डिग्री, तो जैसे 53 और 37 देते हैं, तो मैंने तुम्हें क्या बोल से बताया था बच्चे, हमेशा जब भी 53 37 की बात हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ मैजिकल ट्रायंगल आ जाने चाहिए, है ना, हमने बहुत बार यूज़ किया, अगर ये 37 है तो इसके सामने 3 4 5, और अगर ये 37 दूसरा कौन था 53, अगर ये है तो ये 4 ये 3 ये 5, ये याद रखना, ठीक है, ये ट्रायंगल आप ये देखते हैं इसमें यूज होगा, 30 53 दिया हुआ है। तो अब यहाँ से ये आर तो आप ले लेंगे, बी पर वेलोसिटी 10 मीटर है, लेकिन ये जो इसका जहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ इसकी, यहाँ से ये दिस एंगल इज नॉट 90, परपेंडिकुलर, वी परपेंडिकुलर होता है, वेलोसिटी हमें नहीं पता, हमें ये मालूम है कि ओमेगा एट बी विल बी ऑल्सो इक्वल टू वॉट, वी परपेंडिकुलर वहाँ कितना है और उसका डिस्टेंस वी बाई आर, है ना, परपेंडिकुलर बाई आर।
तो यहाँ तो ठीक था, परपेंडिकुलर वॉज 10, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर करोगे मतलब हमको ये कंपोनेंट चाहिए, दिस इज वी परपेंडिकुलर। अब ये कैसे निकालेंगे हम, हमको मालूम है ये 53 है, ये तो 90 था, तो ये कितना हो गया 37, है ना। अगर ये 37 है तो ये वर्टिकली ऑपोजिट ये भी 37 हो गया। अगर ये 37 है तो ये एंगल कितना हो गया, दिस इज 53। तो ये कंपोनेंट निकालना है हमको, ये साइड के ऊपर ये बन रहा है ये एंगल, है ना, ये तो सीधी जा रही है, ये एंगल यहाँ बना रहे हैं। तो आपका ये जो वी परपेंडिकुलर है 37, इसका कंपोनेंट इधर, इसके जो दो कंपोनेंट्स होंगे ना, ये जो वी वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट्स, एक इस तरफ को होगा और एक इस तरफ को होगा। तो अब आप, दिस इज वन कंपोनेंट, दिस इज अनदर कंपोनेंट्स। अब आपको ये एंगल तो पता लग गया कि इसके ऊपर जो एंगल बना रहा है दैट इज 53 डिग्री, तो वी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू वी कॉस 53 डिग्री, ये इस एंगल बना रहा है, इसके ऊपर एंगल बना ना 53, ये हाइपोटेन्यूज का काम ये कर रहा है, तो जिसके ऊपर एंगल बनता है उसका क्या लेते हैं, कॉस, और ये एंगल कितना आ गया 53। ये समझ में आया, देखो यहाँ दिया हुआ था इन्होंने 53, हमें मालूम है ये 90, ये 53, तो ये 37 हुआ, 37 के वर्टिकल ऑपोजिट 37 हुआ, तो ये एंगल कितना है, ये सीधा ही खींचा है इसके ऊपर, ये नॉर्मल है, सो नॉर्मल है तो ये 37 है, तो ये 53, 37 प्लस 53 इज 90, तो वी परपेंडिकुलर, सो दिस विल बी इक्वल टू वॉट, वी परपेंडिकुलर की वैल्यू पहले निकालेंगे, वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू वी कॉस 53 डिग्री। कॉस 53, तो मैंने क्या बताया आपको, ट्राइंगल क्या बताया 53 का है, आप ड्रॉ कर लीजिए यहाँ रफ में फटाफट, इफ दिस इज 53, तो जब भी ये 53 होता है तो इसके सामने 4, नीचे 3, यहाँ 5 होगा। अच्छा, दूसरी बात, आपको ये डिस्टेंस भी निकालना है, चलो वी परपेंडिकुलर तो अलग चीज़ है, सो दिस इज वी की वैल्यू कितनी है 10, कॉस 53 कितना हो जाएगा 4/5, सो दिस इज 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। देखा, 10 मीटर पर सेकेंड की जगह क्या आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड। अब रही बात आर की, ये एंगल अगर 53 है तो अपने आप ही पता चल जाता है ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है, ये 3 है तो ये वाली क्या होगी, दिस इज गोइंग टू बी 5 ओनली। सो आपका ये इस तरह से था, दिस इज ए, दिस इज ओ, दिस इज बी, ये कितना दे रहा है, ये 53, ये आपको 3 दिया है, अगर ये 3 है तो यहीं से हमको पता लग रहा है ना कि जब भी 53 एंगल बनते हैं तो दिस इज 3 होता है और एक साइड क्या होती है 4 होती है और एक साइड क्या होती है 5, तो दिस आर इज इक्वल टू वॉट, ओ बी विच विल बी इक्वल टू 5, सो एंगल ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू 8/5 विच इज इक्वल टू 1.6 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो पता लग गया, ये सिर्फ सर्कुलर मोशन में ही नहीं होती है वैल्यूज, तो इसीलिए हमेशा ये आंख बंद करके नहीं बोलना है, फॉर सर्कुलर मोशन इट इज ओके वी इज इक्वल टू ओमेगा, आप ऐसे बोल देते हैं कि वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये सर्कुलर मोशन के लिए आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर ये नॉर्मल मोशन पे किसके एंगल की रोटेशन हो रही है, एंगुलर रोटेशन, दिस इज वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ओमेगा, हमें परपेंडिकुलर में इंटरेस्ट होता है। आई थिंक वन मोर, अच्छा एक और न्यूमेरिकल है लास्ट, दैट इज अगर मान लो ये बॉडी मूव कर रही है आपकी, दी हुई है ये इधर से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है एक बॉडी, दूसरी बी है ये भी 10 मीटर पर सेकेंड की जा रही है, लेकिन ईस्ट से 37 डिग्री उधर को जा रही है, ठीक है, यहाँ को जा रही है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा, फाइंड रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पूछा हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पूछा हुआ है, ठीक है, दैट मीन्स दिस इज, अब हमें पता है वी नो
ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, वी परपेंडिकुलर अपॉन आर होता है, ये हमें मालूम है। तो अब यहां पे ओमेगा क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी हो गई, सो दैट विल बी वी परपेंडिकुलर रिलेटिव हो जाएगी डिवाइडेड बाय आर, रिलेटिव वेलोसिटी। सो अब रिलेटिव वर्ड यहां पर आपका यूज हो गया, सो व्हाट यू विल डू इज दिस विल बी इक्वल टू योर वी ए माइनस वी बी, कौन सा वाला लेंगे, परपेंडिकुलर वाले की बात चल रही है, परपेंडिकुलर ये तो है ही परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर की तरफ, अब डिवाइडेड बाय आर। अब इसमें देखो आर का काम क्या हो रहा है, आर इज 3, वी ए इज हाउ मच, 10 मीटर पर सेकेंड, और वी बी भी अपने परपेंडिकुलर वाला लेना है, तो वी बी परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसके अगर आप कंपोनेंट लिखेंगे तो आप कैसे लिखोगे, इसका कंपोनेंट एक इस तरफ को होगा, एक इस तरफ को होगा, दिस विल बी वी परपेंडिकुलर, दिस इज वी पैरेलल, है ना। अब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, वी परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू, एंगल तो इधर बना रहा है 37, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, तो दिस इज इक्वल टू वी साइन 37 डिग्री। साइन 37 कितना होता है, फिर वही ट्राइंगल आ गया, 37 का नाम देखते ही इधर 3, इधर 4, इधर 5, तो साइन क्या होता है, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज इक्वल टू इनटू 3 अपॉन 5, वी कितना है 10 इंटू 3 अपॉन 5, सो दिस इज 6। सो रिलेटिव वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी विल बी इक्वल टू 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3, सो इट इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 रेडियन पर सेकेंड। देखो आपको रिलेटिव वेलोसिटी के साथ भी एग्जाम्पल लेके बता दिया, तो कैसे भी ये वाले इक्वेशंस जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। एचपी बोर्ड में इतने घुमाए हुए क्वेश्चंस नहीं होते, ये रीजनिंग में आ सकते हैं कौन सा वाला रिलेशन सही है, दिस इज फॉर एच, ये एचपी बोर्ड के हिसाब से है, ठीक है। और ये थोड़े से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले लीजिए, बाकी जो न्यूमेरिकल्स हमने मैंने पहले ही आपको बता दिए कि कहाँ चला गया पेज, यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज न्यूमेरिकल्स। तो आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर उसका लीनियर एक्सेलरेशन से रिलेशन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।